लालसा, लालसा सबसे बड़ी चीज है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीड। वैसे तो लालच बुरी बलाए है ना, हम लोग क्या सोचते हैं लालच बुरी बलाए, लेकिन भक्ति में लालच अच्छी बलाए। जितना लालच होगा आपको भगवान को पाने का, कई बार बोलते प्रभु जी मैं, मेरे को लालच आ गया है क्या, मैं ज़्यादा माला करना चाहता हूँ। ये अच्छा लालच है ना, मेरे पास केवल 16 माला ही हो पाया आज, कितना चाहते हो आप है? मैं तो चाहता था 192 माला करना। लालची भक्त हो गया है, कितना भी इसको माला हो जाए कभी संतुष्ट नहीं होता है, हमेशा असंतुष्ट रहता है, इसको कहते लालची है ना। लेकिन ऐसी लालच क्या है, अच्छा है ना। उसी तरह से यहाँ पर राजा इंद्रदुम्न के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनके मन में एक लालच है, लोभ है। लौल्यम तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृते न लब्धे थे। एक लालच होना चाहिए, लालसा किस चीज़ की, भगवान को देखने की है, भगवान को देखने की। जिसके अंदर ये लालसा आ गई, उत्कट लालसा आ गई, उसको भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, है ना। ये लालसा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना। लेकिन वो लालसा तभी आएगी जब हमारी भौतिक लालसा समाप्त होगी। धन जन यार धन जन यार कविता सुंदरी बोली बोना चाही देह सुख करी। जन्मे जन्मे दाओ ओहे गौर हरी अहै तू की भक्ति चरणे तो मार। कबे हबे बोलो से दिन आमार, कबे हबे बोलो से दिन आमार। कब होगा वो मेरा दिन है, वो दिन मेरा कब आएगा। भक्तिविनोद ठाकुर जी लिखते हैं ये लालसा की, मेरा वो दिन कब आएगा। धन जन आर कविता सुंदरी हम लोग ये चाहते हैं है ना, धन आए जन आए, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति बनो, मैं समाज में सब लोग सलामी मारे हैं, सुंदर स्त्री प्राप्त हो विवाह के लिए देश कहते हैं ना चाही है, ना चाही बोली वो ना चाही देह सुख करी। देह सुख इस प्रकार का देह सुख नहीं चाहिए मुझे तो जब अगर ये सब चाहिए तो फिर भगवान की चाह नहीं पा सकते, दोनों साथ साथ नहीं हो सकता, एक साथ दोनों नहीं है। कई जगह ध्यान अगर बट जाए तो एक है ना, एक कहावत है कि एवरी वंस वाइफ इज नो वंस वाइफ, तो उसी तरह से हर जगह ध्यान अगर हमारा बट गया है तो एक जगह ध्यान नहीं लग सकता है ना, ये सब नो नहीं लग सकता, ये सिद्धांत है ये। तो इसलिए लालसा तब होगी, तीव्र लालसा है जब बाकी सब चीज़ों में हमारी लालसा नहीं रहेगी। ये नहीं कि संसार की भी लालसा और भगवान के मंदिर में गए तो भगवान की भी लालसा है, हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है ये,
कि मंदिर में आए तो भगवान के लिए रो रहे हैं और बाहर गए तो संसार के लिए रो रहे हैं, है ना? नहीं, तो इस प्रकार की उत्कट लालसा जो है वो प्रकट करना बहुत कठिन काम है। हालांकि राजा इंद्रदुम्न के पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी वो देखिए कितने लालायित हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम।